Garlic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. Hello students, today we will learn NCERT solution for class 6 Sanskrit chapter number 4 Vidyalah. आज हम सीखेंगे हमारे संस्कृत रुचिरा बुक में से अध्याय नंबर 4, इसका नाम है विद्यालय। इस वीडियो में हम विद्यालय चैप्टर का पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से इसमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इनके आंसर्स याद करेंगे। अगर आपने पूरे अध्याय को पढ़ना है हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में इसका अर्थ जानना है, तो इसके लिए आप हमारे आइड्रिक डेली लाइफ चैनल में जाके देख सकते हैं। इस चैनल में इसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद दिया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करेंगे, जो कि अक्सर हमारे पेपर में आते रहते हैं और हमें उसमें पेपर में कोई क्वेश्चन आंसर देने का हमें प्रॉब्लम ना हो, उनका आंसर हम अच्छे से दे पाएँ, तो इस वीडियो में आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए, अध्याय 4 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें यानी खुद बोलें। तो इसका जो इसका कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, ये सारे अपने आप में वर्ड दिए गए हैं, इन शब्द को आपने बोल बोल के इनका उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, साथ साथ आप बोल लीजिए, मैं आराम आराम से बोलूँगा ताकि आप भी साथ साथ इसको बोलने का प्रैक्टिस यानी कोशिश बोलने की कोशिश करें। पहला शब्द है अहम, आवाम, वयम, माम, मम, त्वम, आवाम, आवाम, आवयोः, युवाम, वयम, अस्मान, अस्माकम, युवम। तो चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं इनको बोलने का। अब सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयः, अस्माकम, त्वम, युवाम, युवम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्व, युववो, युष्माकम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्व, युवः, युष्माकम। तो इनको आपने बोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, अब इसकी आप स्वयं प्रैक्टिस करें, इसको बोलने का ट्राई करें, कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन शब्द में करें, जैसे यथा यानी जैसे अहम पठामि, तो इसका बहुवचन बन जाएगा वयम पठाम। तो ऐसा ही जो क है, अहम नृत्यामि, तो इसका बन जाएगा वयम नृत्यामः। अगला है त्वम पठसि, तो इसका ख का आंसर बन जाएगा युवम पठतः, युवम पठत। ग है युवाम क्रीडथ, इसका आएगा त्वम क्रीडसि। अगला है आवा, आवाम गच्छाव, तो इसका आएगा वयम गच्छाम। अगला है अस्माकम पुस्तकानि, तो इसका आंसर आएगा मम पुस्तकम। अगला है त्वम गृहम, तो इसका द्विवचन में बनेगा युवः, युवः गृहे। तो ये हमने इसके आंसर अच्छे से याद कर लिए हैं, रट लिए हैं, कैसे इसको हमने बहुवचन में चींच कर देना है, कैसे इसका बहुवचन बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 27।
यानी 27। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्ततनानि पूरयत। तो इसमें हमने कोष्ठ का यानी जो आगे ब्रैकेट के अंदर आपको शब्द दिए हैं, इसमें से सही शब्द जो है, उचित शब्द जो है वो आपने इसमें लगा देना है। अब आप पठामी हैं तो पठामी के आगे क्या आएगा वो आपने सही शब्द लगाना है। तो पठामी के आगे आएगा अहम पठामी, गच्छतः, गच्छतः के आगे आएगा युवाम गच्छतः, एतत पुस्तकम, यहाँ पर आएगा एतत मम पुस्तकम, क्रीडनं कानि, क्रीडनं कानि का आगे आएगा युष्माकम, नेक्स्ट आएगा छात्रे स्वः, छात्राम छात्रावा छात्रे स्वः, यानी आवाम छात्रे स्वः, यहाँ पर आएगा आवाम छात्रे स्वः। अगला ऐसा लिखानी, तो इसका आएगा तव, ऐसा तव लिखानी। तो ये जो आंसर है ये आपने अच्छे से कर लिए हैं। अब पेज नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर चार ये हमारा है, क्रियापद वाक्यानि पूरयत। क्रियापद दिए हुए हैं, इनको इनसे आपको जो है वाक्य पूरे करने हैं। इसमें से एक शब्द आपने इनमें चुनाव करना है शब्द का, और वो इसके सही वर्ड के आगे लगा देना है। जैसे अहम पठामी, तो ऐसे ही आपने त्वम के आगे लगाना है, आवा के आगे लगाना है, युवम के आगे लगाना है, और अहम, ऐसे सारे लगाते जा रहे हैं। तो क है हमारा त्वम पठेसि, ख में आएगा आवाम गच्छाव, ग में आएगा युवम पश्यथ, घ में आएगा अहम लिखामि, ग में आएगा युवाम क्रीडथ, च में आएगा वयम धावामः। तो ये आपने इसका आंसर अच्छे से कर लिया है। अब चलते हैं पेज नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उचित पद वाक्य निर्माणम कुरत। उचित पद का वाक्य के आगे उसका निर्माण, यानी खाली खाली जगह में उसको लगा के वाक्य को पूरा करें। तो मम तव आवयो युवो अस्माकम और युष्माकम, यहाँ पे ये शब्द लिखे हुए हैं। कौन सा शब्द किस शब्द के आगे आएगा, सही शब्द का चुनाव यहाँ पे हमने करना है। तो पहला है एतत ग्रहम, तो इसका आएगा मम, एतत मम ग्रहम। अगला है मंत्री दृढ़ा, इसका आएगा आभ्यो मंत्री दृढ़ा। अगला है एषः विद्यालयः, जो ग नंबर है इसमें आएगा तव, एषः तव विद्यालयः। घ नंबर है एषः युवयो अध्यापिका, तो इसमें युवयः आएगा। अंगों है भारतम अस्माकम देशः, इसमें आएगा अस्माकम। अगला है एतानि युष्माकम पुस्तकानि, तो इसमें आ जाएगा युष्माकम, यानी एतानि पुस्तकानि के बीच में युष्माकम आ जाएगा। तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा बहुत ही आसान तरीके से हमने सीख लिया है। पेज नंबर 28 पर ही क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदनम बहुवचन पदस्य एक वचनम पजत च लिखत। एक वचन को बहुवचन में लिखें और बहुवचन को एक वचन में लिखें। यथा यानी जैसे, ऐसा एते, तो ये आपने जो है इसको लिखना है। जैसे क में सह ता एता त्वम अस्माकम तव एतानि, ये सारे दिए हैं। इसके आगे जहाँ जहाँ खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पे आपने सही शब्द लगा देना है। तो कह, क में आएगा ते, तो हमारा वहाँ पे आएगा ते। ख में आएगा शा, ग में आएगा ऐशा, घ में आएगा युवम, अंग में आएगा मम, च में आएगा युष्माकम, छ में आएगा एतत। तो आप अपने यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ पे स ता एता लिखा है
इसमें स लिखा है क के आगे, इसमें आएगा ते। जहाँ ख के आगे ताह लिखा है यहाँ पर आएगा शाह। जहाँ ग में एता लिखा है वहाँ आएगा ऐसा। जहाँ घ में तोम लिखा है वहाँ पर आएगा युवम। जहाँ पे अस्माकम लिखा है अंग में यहाँ पर आएगा मम। और जहाँ पे त्वव लिखा है च में यहाँ पर आएगा युष्माकम। और जहाँ पे ऐतान लिखा है लास्ट हमारा छ नंबर यहाँ पर आएगा एतत। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़ी आसानी से हमने सीख लिया है। अब चलते हैं पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वार्तालापे रिक्तानी पूरयत, इस वार्तालाप में खाली स्थान को भरें, इसका पूरा वार्तालाप बनाएं, खाली स्थान को भर दें। यथा यानी जैसे प्रिय प्रियम बदा, तो इसके आगे इसका वाक्य है शकुंतले त्वम किम करोषि। तो ये इन्होंने पूरा यहाँ पर बनाया है। तो ऐसे ही हम जो है इस पूरे इसको बना लेते हैं। इसका आंसर में चलते हैं क। क में प्रियम बदा, शकुंतले त्वम किम करोषि, शकुंतला प्रिय वंदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोषि। प्रियम बदा शकुंतले अहम गयामि किम त्वम न गायसि। शकुंतला प्रियम वंदे अहम न गायामि अहम तु नृत्यामि। प्रियंवदा शकुंतले किम त्वव माता नृत्यति। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्याति। आम मम माता अपि नृत्याति। तो ये इसका आंसर हमने जो है अच्छे से सीख लिया है। आपने क्या करना है, यहाँ जो खाली जगह भरी हैं इनको जो जो मैंने आपको आंसर में बताया है अपने बुक में, इसको आप भर लें और अच्छे से हमको इसको रट लेना है, याद कर लेना है। तो अगला हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ख। ख में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में ख खंड है, उपयुक्तेन अर्थेन स योजयत शब्द और इसका अर्थ स, तुम दोनों का, तानि तुम सब, अस्माकम मेरा, अस्माकम यानी मेरा, युवम वह स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है, अवाम तुम्हारा, मम यानी वो, ये नपुंसक लिंग है यहाँ पे, युवह यानी हम दोनों, त्वव यानी हमारा। तो ये आपने अच्छे से इसको याद कर लिया, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, इस अध्याय को। तो इसके क्वेश्चन आंसर ये सारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, बार बार समझने का प्रैक्टिस करते हैं, बार बार इसको पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट, ये विषय आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें आपके नंबर कहीं भी कम नहीं होने वाले हैं और इसमें आपके नंबर पूरे के पूरे आने वाले हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अध्याय 5 यानी नेक्स्ट लेसन नंबर 5 के साथ। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।